शुभोदय नारायणा हिंदी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको सातवीं कक्षा का प्रश्न पत्र और उसका विवरण देना चाहता हूँ। देखिए कक्षा है सातवीं कक्षा, विषय हिंदी, यहाँ पर असाइनमेंट 20 या पाठ का नाम है अपना प्यारा भारत देश। देखिए पहला रोमन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए 3 अंक हैं, कुल 6 अंक हैं। प्रश्न देखिए, हमारे देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? देखिए इसका उत्तर या जवाब, ऊंचे ऊंचे, हमारे देश में ऊंचे ऊंचे शिखर है ना, ऊंचे ऊंचे शिखर, और क्या है, चंचल बहती हुई नदियां है ना, और क्या है, चंचल नदियां हैं और सोने चांदी और हीरे जैसे फसलों के कारण हमारा देश सुंदर लगता है, सुंदर लगता है। अब देखिए कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, कविता में भारत को धरती का स्वर्ग है क्योंकि भारत देश के, उत्तर है भारत देश के मिट्टी, भारत देश के मिट्टी के मिट्टी से संदेश मिलता है। अब देखिए ऐसा पवित्र देश कोई भी नहीं है। यहां पर क्या है, भारत देश के मिट्टी में हर एक कण में हर एक अणु में हमें संदेश मिलता है, इसलिए हमारा देश धरती का स्वर्ग कहा गया है। अब देखिए दूसरा रोमन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहां पर प्रश्न है, वे कौन सी बातें हैं जो हमारे देश को धरती का स्वर्ग बनाती हैं? देखिए इसका उत्तर, भारत एक पवित्र देश है, भारत एक पवित्र देश है, भारत में गंगा यमुना और सरस्वती जैसे नदियां बहती हैं। भारत देश में कौन सी नदियां बहती हैं? गंगा यमुना और सरस्वती नदियां बहती हैं। हमारे देश में सोना या सोने चांदी और हीरे जैसे
फसलें उगते हैं। अब देखिए भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों के लोग एकता के साथ रहते हैं। भारत देश में अनेकता में एकता का दर्शन दिखाई देता है, इसलिए वे हमारा, यहां पर देखिए धरती का स्वर्ग है, हमारा देश यह धरती का स्वर्ग माना जाता है। इस प्रकार संक्षिप्त में हमें प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।